दोस्तों ये देख सकते हैं नीम का पेड़ है और ये पशुओं के लिए डिबर्मिंग के लिए ब्लड को साफ करने के लिए बिल्कुल रामबाण दवाई है। पशु के जितना ब्लड संबंधित दूध को गुणवत्ता एकदम वापस लाने के लिए या कोई भी पशु जो गाभिन नहीं होता है, गाभिन पशु नहीं होता है, उसको सबसे पहले 15 दिन पहले 20 दिन पहले नीम का पत्ता खिलाना शुरू कर दे। और नीम का पत्ता बड़ी आसानी से गांवों में मिल जाता है और अगर नीम के पत्ता आप खिलाएंगे तो पशुओं को जो है दूध भी साफ हो जाएगा, खून भी साफ हो जाएगा, दूध जो है गुणवत्ता नेचुरल गुण में अपना दूध रहेगा, जो उसका प्राकृतिक गुण है, जो खाद ज्यादा देने से पशु के जो है दूध की गुणवत्ता या टेस्ट जो है खराब हो गया तो उसको शुद्ध कर देता है। अच्छा, दूसरा जो बोले कि 15 से 20 दिन पहले, मेन मुद्दा पे आते हैं, 15 से 20 दिन पहले गायों को नीम का पत्ता दो दो मुट्ठी सुबह शाम खिलाइए तो डिबर्मिंग नेचुरल ढंग से हो जाएगा। अच्छा, नेचुरल ढंग से अगर डिबर्मिंग करने के बाद अगर नहीं आपके पास टाइम है तो एल्बेंडाजोल या फेल्बेंडाजोल का हम टेबलेट लाए हैं, उसको भी दिखाएंगे। तो गाभिन करने से 20 दिन पहले इसको खिलाना है तो पशु जो है डिबर्मिंग हो जाएगा तो गाभिन होने की संभावना बढ़ जाती है ज्यादा। पशु को पक्का जो है गाभिन करने से पहले, प्रेग्नेंट करने से पहले डिबर्मिंग करना चाहिए। तो अभी हम अंग्रेजी दवाई भी आपको दिखा के बताएंगे कि वो दवाई भी इस्तेमाल करके डिबर्मिंग, पशु को गाभिन करने के 5 दिन पहले भी डिबर्मिंग कर देना है। ये नेचुरल डिबर्मिंग थोड़ा टाइम लगता है, 25 दिन 30 दिन या महीना दिन देना पड़ता है तो डिबर्मिंग होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये पहली पत्ती में आता है, ये अंग्रेजी दवाई है, फेल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल ही है। ये 3 बोल का है, 3 ग्राम का है मतलब। और एक आता है बैंडिकाइंड और एक आता है फेंडिकाइंड, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसका भी। पशु को गाभिन करने से करीब करीब इसको 15 दिन पहले डिबर्मिंग कर देना चाहिए, 7 से 15 दिन। अगर आप पशु को डिबर्मिंग करेंगे और तब जो है गर्भाधान करेंगे तो पशु जो है गाभिन होने का चांसेस 80% बढ़ जाता है। इसका महत्वपूर्ण रोल है। आप चाहे नीम के पत्ता से कर ले, एक आध महीना का प्रोसेस है, 1.5 महीना चलेगा तो उससे भी डिबर्मिंग हो जाता है, डेली सुबह शाम खिलाना रहता है। नहीं तो ये फेल्बेंडाजोल है, ये जो है बैंडिकाइंड फेंडिकाइंड एक आता है, ये दोनों में कोई भी दवाई, अच्छा हर 3 महीने पे दवाई को चेंज करें, एक ही दवाई को हर बार नहीं देना है, कंपनी अलग होनी चाहिए। पिछली बार बैंडिकाइंड फेंडिकाइंड लाया था, इस बार जो है एल्बेंडाजोल लाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी पशु गाभिन नहीं हो रहा है उसको पहले डिवर्मिंग करें फिर उसको सीमेन दे। तो ये जो है मिनरल है, ये जो पद्धति है आपको बताया था कि चाहे तो आप अंग्रेजी मिनरल हो या देसी मिनरल, कोई सा भी मिनरल आप जो है पशु को, ऐसा होता है मिनरल। हमने इसमें 5 kg सेंधा नमक, 1 kg काला नमक और 1 kg मीठा सोडा, 2.5 किलो मीठा और 1 kg गिरवा मिट्टी, इतने आइटम को मिला के बनाया है ये मिनरल या अंग्रेजी मिनरल। 350 ग्राम 300 ग्राम सुबह शाम देना है तो पशु 100% गाभिन हो जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये चौथी पत्ती में आता है मिनरल है। ऐसे तो ये मिनरल जो हम पशु को खिलाते हैं 2 प्रकार के, एक ग्रीमीन फोर्ट चिलेटेड है, लेकिन हम जो है पशु को एक मिनरल प्राकृतिक मिनरल है वो भी खिलाते हैं। तो जो पशु गाभिन नहीं होता है वो पशु को कम से कम इससे, इसके जो है 50 ग्राम का ये ढक्कन है, इससे 100 ग्राम मतलब ऐसे नॉर्मल पशु को खिलाते हैं। लेकिन जो पशु गाभिन नहीं हो रहा है, रिपीटर है या उसको गाभिन करना है, तो 150 से 200 ग्राम एक टाइम और 20 दिनों तक दोनों टाइम मिला के 200 ग्राम खिलाना है। तो आप देख सकते हैं चिलेटेड मिनरल 200 ग्राम सुबह और शाम 15 से 20 दिन खिलाना है। तो अगर कोई पशु गाभिन नहीं होता है उसके लिए बिल्कुल ये रामबाण इलाज है।
और नेक्स्ट इसका भाग जो है ऐड करेंगे, बताएंगे। ऐसे हम इसका यूज करते हैं, कुछ प्राकृतिक मिनरल भी बना रखे हैं, सेंधा नमक, काला नमक, मीठा सोडा और गेरुआ मिट्टी और मीठा या गुड़, इसका भी बना रखे। तो इन में से कोई सा भी मिनरल आप, चाहे प्राकृतिक मिनरल हो या ये मिनरल हो, अगर आप जो गाभिन पशु नहीं हो रहा है उसको अगर आप इसमें से 200 ग्राम से 150 ग्राम एक टाइम, तो दोनों टाइम मिला के 300 ग्राम अगर खिलाते हैं 15 से 20 दिन, तो ये जो फार्मूला है 20 दिनों का, वो बिल्कुल गाय के ऊपर फिट बैठता है और पशु गाभिन हो जाता है। दोस्तों ये है गेहूं, और इसको भी अंकुरित करके जो है बड़ा बड़ा 2-4 इंच 6 इंच के करके और पशु को खिला देना है। ये भी 20 दिन का प्रोसेस है, साथ में गेहूं भी देना है। ओके दोस्तों, जो तीसरी पद्धति है जो पशु गाभिन नहीं होता है उनके लिए, ये जो अनाज देते हैं जो दाना पशु को, उसमें हम ये हल्दी डाल दिया, कच्चा हल्दी इसमें कम से कम 25 से 30 ग्राम ये इसमें देखिए हल्दी डाल दिया, ये हल्दी लाया था मैं, और डेली 20 दिनों तक पशु को 30 ग्राम हल्दी दें, जिससे जो पशु के जो गर्भाशय में इन्फेक्शन होगा, जो घाव होगा वो ठीक हो जाएगा और पशु गाभिन हो जाएगी। तो ये सारे पत्ती अपनाना है, हमने 3 पत्ती पहले बता चुके हैं, एक अब अगली पत्ती बताएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये दूसरा पत्ती है जो गायों को गाभिन करने के लिए बहुत ही कारगर है, वो है पपीता। इस पपीते को हम गायों को खिला करके 15 से 20 दिन खिलाना है। कोई भी गाय जो गाभिन नहीं होती है, अगर पपीता आपको नहीं मिलता है तो इन पपीता के पत्ता का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको 15 से 20 दिन खिलाना है। कैसा भी गाय जो गाभिन नहीं हो रहा है वो तो बिल्कुल गाभिन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी गर्भाशय है उसको क्लीन करने में, साफ करने में मदद करता है, और बहुत ही पावरफुल चीज है पपीता। इसके अंदर कई प्रकार के मिनरल विटामिन भी पाए जाते हैं जो पशुओं के लिए बिल्कुल रामबाण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों ये जो पांचवी पत्ती है जो पशु गाभिन नहीं होता है उसके लिए है, तो ये अशोक का पेड़ है। ये अशोक का पेड़ से कुछ पत्ते हम तोड़ ले रहे हैं, आप देख सकते हैं ये अशोक का पेड़ का पत्ता है। इसको जो है 2-2 मुट्ठी पशु को इतना इतना सुबह शाम 20 दिनों से 25 दिन खिलाना है। तो इससे क्या होगा कि पशु का जो हार्मोन अनबैलेंस हो गया है वो जो है बैलेंस हो जाएगा, मानसिक चक्र ठीक हो जाएगा, टाइम से हिट में आएगा और प्रेग्नेंट भी हो जाएगा। अच्छा, एक और खासियत है, इससे कीड़े मारने का, जो पेट में कीड़े है पशु का वो भी खत्म कर देगा। अच्छा, इसके साथ किसी भी प्रकार का दर्द है पशु को वो भी खत्म कर देगा। तो बहुत ही पावरफुल ये पौधा है अशोक का या पत्ता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो पशु कभी भी गाभिन नहीं हुई है, 2-4 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, उसको अगर 25 से 30 दिन इसको खिलाया जाए सुबह शाम, तो पशु 100% गाभिन हो जाएगा। ये हार्मोन को बैलेंस कर लेता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो पशु के अंदर होता है उसको ठीक करता है। तो धन्यवाद, ये था जो आपका वीडियो। अभी नेक्स्ट।